कोल्ड ड्रिंक होगी। अच्छा कुछ अजीब सा नहीं हुआ दिव्या? हाँ, हनीमून के लिए शिमला डिसाइड किया था और यहाँ पता नहीं क्यों एक अनजान जगह के लिए निकल पड़े हम। अनजान? पर मुझे तो नहीं अनजान लग रही। मुझे भी नहीं, पर यहाँ की जिद किस लिए? जिद? वही जिद जो हमारे परिवार की थी, जात पात के चौंचले और फिर अचानक ये अनजान फैसले। नहीं दिव्या, जमाना बदल गया है, तभी तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। पर गाड़ी तो तुमने ही घुमाई थी। एनीवेज जो भी है, द प्लेस इज रियली इनवाइटिंग। यस, मी टू। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो बाबा, एक मिनट बात सुनना। हमारे नई नई शादी हुई है और इन वादियों में घूमने आए हैं। यहाँ आसपास ना कोई होटल है और रात होने को आई है, कोई जगह मिलेगी रहने के लिए? आपने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, और वैसे भी ये गांव अब किसी के रहने लायक नहीं है, और अगला शहर यहाँ से कोसों मील दूर है। शाम होने को है और यहाँ बस यही एक अकेली झोंपड़ी है। अगर तुम दोनों चाहो तो रात गुजारने के लिए चल सकते हैं। फरहान, इट्स अ वंडरफुल आइडिया, वी वुड हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन आप? मुझे हरिया कहते हैं और मेरी बीवी जमीला, सिर्फ हम दोनों हैं। आज झोपड़ी में रात गुजार लो। मुझे और जमीला को अक्सर चांदनी में घूमने की आदत है। आओ, आ जाओ, गाड़ी यहीं छोड़ दो। चलो दिव्या। आ जाओ, जरा संभल के। आउच। जरा संभल के आओ, आ जाओ, आ जाओ, जरा संभल के। जरा संभल के। आ जाओ, आ जाओ। ये सब आज मेरी शादी की 30वीं सालगिरह है, बस इसीलिए ले आए। आओ, आ जाओ। हमारी भी शादी की आज पहली रात है। बैठो, आओ, आओ, आ जाओ, बैठो। तकलीफ तुम हम दे रहे हैं आप लोगों? अरे अरे नहीं, हम आराम से हैं। हम यहाँ कितने बरसों से हैं, अब कुछ याद भी नहीं। इस गांव की कोई कहानी तो होगी? कुछ गांव की कहानियां नहीं, हादसे होते हैं। कौन सा हादसा बाबा? आज आप दोनों आराम से रह लो, किससे कहानियां सुबह के लिए छोड़ दो। हाँ,
कहानी अगर शाम को ही सुनने को मिल जाए तो रात के सपने अच्छे आते हैं, है ना? बिल्कुल, तेरे जैसी एक खूबसूरत लड़की थी जो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। दोनों अलग जात के थे, प्यार प्यार परवान तो चढ़ा, लेकिन लेकिन अंत में अंत में क्या? दुनिया के रिवाजों से हार मान गए और एक रात चोरी से घर से भाग निकले। सारा गांव मशाले लेकर उनके पीछे भागता आया। वो बहुत मजबूर थे, असहाय। फिर भागते हुए उन्हें दूर एक पहाड़ी पर झोपड़ी दिखी। दोनों उसके अंदर पहुंचे। तब तक सारे गांव का हजूम बहुत करीब आ चुका था। झोपड़ी घास फूस की थी जिसमें एक दिया सिलाई के अलावा कुछ भी नहीं था। आओ जमीला, हम चलें, मेहमानों को आराम करने दो, उन्हें सोने दो। आओ आ जाओ। आज वैसे भी अभावास की रात है, चांदनी तो मिलेगी नहीं। हम दोनों वहां पुराने कुएं के पास पड़े रहेंगे। आओ आओ जमीला, चले आओ, चलो। हाँ चलो चलो जमीला। जमीला। हरिया, हर हादसे में हकीकतों के किस्से जरूर छिपे रहते हैं। कुछ ढूंढ लिए जाते हैं, कुछ अमावस की तरह अंधेरे में खो जाते हैं।